राजेंद्र गए थे तो उसमें एक विनय है और चार पांच बड़े बच्चे थे, उन्होंने हमें खींच लिया और कहा अंदर बंद करके मारा और कहा हमारी तरफ लेना वरना बहुत मारेंगे। और ये चीज़ सब चीज़ हुआ ये नशे के पीछे, ना कोई एग ना पुलिस वाले भी एक्शन नहीं ले रहे हैं यहाँ के। ये विनय नाम का लड़का है, कहीं से नशे लेके आ रहा है और बच्चों को वहाँ के बिगाड़ रहा है। कैसे नशा, कैसे नशा? धूम्रपान, ये गुटखा वगैरह, ये गांजा, भांग, ये अजीब चीज़ें यहाँ पे अपनी बिक्री करता है और ये बिक्री करता है। और यहाँ पे जो 3 रुपए की तंबाकू है वो 50 की बेचता है, 20 रुपए की भांग 100 रुपए की बेचता है। अंदर को रोकता नहीं है उसके? वो नहीं रोकता जी। क्यों? सर ये नहीं पता सर। क्या हुआ था, क्यों मारा और किस बात को लेकर बवाल हुआ वहाँ? वहाँ इस बात के बोल लेकर बवाल हुआ, उन सब बड़े बहन के, बड़े मनोरंजन बहन के बच्चे आते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको पाते हैं उनके उनके दूध डालते हैं, उनके साथ जो कर पाते हैं वो करते हैं और ले जाके लेटरिन में फिर झुका देते हैं, किल्ली मुर्गा बना देते हैं, फिर किल्ली उसे मारते हैं। इसकी शिकायत किसी से करी थी? शिकायत करी थी और वो भी दिया था, लेटर दिया, लेटर भी दिया था। किसको दिया? आदित्य साहब। आज मारपीट क्यों हुई थी, क्या वजह रही? आज की वजह ये हुई कि आज आए बड़े बच्चे, बड़े बड़े तो बच्चों को मारने लगे, जब मारने लगे तो थोड़े हमारी भी इंसान बड़ी होते और बहन बच्चे थे। क्यों मारने लगे? क्योंकि इसीलिए कि चुम्मा जट्टी नहीं करने दिया, इसीलिए मारने। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई करी? कार्रवाई नहीं।